शानदार आगाज के बाद अब आईपीएल अपने अंजाम तक पहुंचने वाला है। आने वाले रविवार को ये पता चल जाएगा कि आईपीएल का इस सीजन का विजेता कौन होगा, लेकिन इससे पहले ही राहुल द्रविड़ ने कर दी है भविष्यवाणी। पूर्व इंडियन क्रिकेटर राहुल द्रविड़ ने बताया है कि कौन सी टीम आईपीएल 10 का खिताब जीत सकती है। द्रविड़ के अनुसार इस बार मुंबई इंडियंस चैंपियन बन सकती है। उन्होंने कहा, मुंबई लीग राउंड में नंबर वन टीम रही, हालांकि उसे राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स, सनराइजर्स हैदराबाद और केकेआर से एक कड़ी चुनौती मिलेगी, लेकिन उनके पास भी कई मैच विनिंग प्लेयर्स हैं। आपको बता दें कि मुंबई इससे पहले दो बार आईपीएल चैंपियन रह चुकी है। राहुल द्रविड़ दिल्ली डेयरडेविल्स टीम के कोच और मेंटर हैं। उनकी टीम इस सीजन में प्लेऑफ में नहीं पहुंच सकी। दिल्ली ने लीग राउंड में 14 में से 6 मैच जीते, 12 पॉइंट के साथ वो छठवें नंबर पर रही। आखिरी मैच में बेंगलुरु के खिलाफ मिली हार के बाद द्रविड़ ने कहा था, करीबी मैचों को न जीत पाना दिल्ली की सबसे बड़ी कमजोरी रही और इसी कारण उसका सफर लीग राउंड में ही खत्म हो गया। हम इस सीजन में कई क्लोज मैच नहीं जीत पाए। आईपीएल में ऐसे मैच जीतने बहुत जरूरी होते हैं। गौरतलब है कि बेंगलुरु के खिलाफ आखिरी मैच में भी दिल्ली को आखिरी ओवर में जीत के लिए 13 रन की जरूरत थी, लेकिन पवन नेगी ने शानदार बॉलिंग कर अपनी टीम बेंगलुरु को 10 रन से मैच जिता दिया।